नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 27 अक्टूबर को शाम चेन्नई में खेला मुकाबला कमाल का रहा। इसे अगर टूर्नामेंट में अब तक के बेहतरीन मुकाबलों में से कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस मैच में अंपायर के फैसले पर भी सवाल उठे। कई नामचीन क्रिकेटरों ने तो खराब अंपायर को पाकिस्तान की हार की वजह भी बता दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर बाबर आजम ने जो कहा वो सबसे ज्यादा अहम है। एक और मैच और एक और हार, जगह बदल रहे हैं, विरोधी बदल रहे हैं, लेकिन आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पिच पर पाकिस्तान के लिए मुकाबले का नतीजा नहीं बदल रहा। वो पिछले चार मैचों में एकदम एक जैसा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली, उसे एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसकी इस हार पर बवाल मचा हुआ है। बवाल मैच में हुई खराब अंपायरिंग के चलते है, जिसे पाकिस्तान की हार से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे क्रिकेट के दिग्गज भी इस मसले पर जोर शोर से उठाते नजर आए। खराब अंपायरिंग पर मचे शोर शराबे के बीच हालांकि बाबर आजम ने जो कहा है उसने पूरे बवाल को ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान के बयानों के बाद अब कोई खराब अंपायरिंग पर सवाल उठाता है। आईसीसी और बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए तो फिर बात वही होगी कि बेगवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब ये है कि जब मैच में खेल रहे और हार कर दंश झेलने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को उससे कोई एतराज नहीं, तो फिर बाकियों को क्यों है? अब बात अहम यह है कि बाबर आजम ने कहा क्या, जिससे कि खराब अंपायरिंग का मसला गरमाने से पहले ही ठंडा पड़ गया। तो बाबर की बयान बताएं उससे पहले जरा खराब अंपायरिंग की पूरी घटना और उस पर आई कुछ बड़ी प्रतिक्रियाओं पर गौर कर लेना जरूरी है। पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स शो में बैठकर वसीम अकरम और मिसबा उल हक जैसे दिग्गज क्रिकेटर ने मुकाबले में हुई खराब अंपायरिंग की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। मिसबा ने कहा कि अगर अंपायर कॉल बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, आईसीसी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक अंपायर कॉल जैसी चीज को खत्म ही कर देना चाहिए। पाकिस्तान के दिग्गज को खराब अंपायरिंग के मसले पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हरभजन सिंह का भी साथ मिला। भज्जी ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान को खराब अंपायरिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है, आईसीसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिप्ले में यह साफ दिख रहा था कि रॉफ की गेंद शमसी के विकेट पे हिट कर रही थी। अब अगर ऐसा है तो क्लियर आउट थे वो, और फिर अंपायर ने आउट दिया हो या नहीं इसका कोई सवाल नहीं रह जाता। बता दें कि मैच में खराब अंपायरिंग से यह कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वेंडर दुशे आउट नहीं थे, पर उन्हें आउट दिया गया था। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रैम स्मिथ ने इसी का जिक्र करते हुए भज्जी से पूछा कि क्या वो रासी के लिए भी ऐसा ही कहेंगे जो वो पाकिस्तान के लिए महसूस कर रहे हैं। बहरहाल खराब अंपायरिंग को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही है, कुछ क्रिकेटर आमने सामने भी हैं। इसी बीच बाबर आजम ने भी इस मसले पर कुछ कहा है। बाबर ने कहा कि अगर वो फैसला आउट का होता तो मैच हमारे हक में हो सकता था। हमारे पास एक मौका होता इस मैच को जीत कर टूर्नामेंट में बने रहने का, लेकिन डीआरएस या अंपायर कॉल खेल का पार्ट है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। साफ है कि बाबर ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो चीज हो गई उसे लेकर अब और खींचा नताना नहीं करना चाहिए और उस पर सवाल उठाने का कोई फायदा भी नहीं है। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।